ये गोल्डस्मिथ जिसने शिकार किया है ताजा इमरान खान, एक उभरती हुई शह था, उम्मीदें वाबस्ता हो रही थी, पहले ही से एक हीरो की शक्ल में था, वो इस्लाम की बात करने चला था, वो अपने कल्चर की बात करने चला था। गोल्डस्मिथ 5 करोड़ पाउंड तो पहली सलामी मिलने वाली है, ये कीमत किससे की दी जा रही है? और कीजिए, अगर वो सारा साजिशी किरदार जो यहूद का है वो सामने हो तो हर शय आपके सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नजर आएगी। आप देख सकते हैं कि असल में हो क्या रहा है। जिसका शिकार अभी आपका इमरान खान भी हो गया है, कल जुमे में मुझे उसके बारे में गुफ्तगू करनी है। वो ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी 1776 में कायम किया गया था, यहूदियों की साजिश, वो आज तक चल रही है। आज भी यहूदी है कि जो इस्लाम का खात्मा और मुसलमानों को अपने कमीकारी बनाने के लिए एक पूरे वर्ल्ड ऑर्डर का नक्शा बनाकर आ चुके हैं। और आज दर हकीकत आपका असल दुश्मन, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं मौलाना से, असल दुश्मन नंबर 1 मेरे और आपके अंदर मौजूद है, मेरा और आपका नफ्स। असल दुश्मन ये है, नफ्स से मां हम कम तरफ फिरौन नीस्त, लेकिन उरा ऑन इरा ऑन नीस्त। और दूसरा खारिजी दुश्मन सबसे बड़ा यहूदी, लेकिन यह कि उस वक्त के और इस वक्त के हालात में एक बड़ा फर्क वाकई हुआ है। मुझे इकबाल के वो शेर याद आ रहे हैं, दुनिया को है फिर मार गए रूहो बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा, अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। वही तारीख सतीजा कार रहा है अजल से ताइम रोज, चिराग मुस्तफवी से शरारे बुलाहबी, तो दुनिया को है फिर मार गए रूहो बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा, अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। मैं जिस फर्क की तरफ इशारा कर रहा हूं जरा उस पर गौर कीजिए। जिस वक्त यहूदी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम की मुखालिफत कर रहे थे, उनके और ईसाइयों के दरमियान दुश्मनी थी। वकालत यहूद लैसत नसारा अला शय, वकालत नसारा लैसत यहूद अला शय, इनमें आपस में सांप और नेवले का बैर था उस वक्त, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यहूद की यह कशाकश जारी थी। यही वजह है कि आपको मालूम है कि कुरान मजीद कहता है कि बदतरीन दुश्मन तमाम इंसानों में अहले ईमान के वो यहूद हैं, और करीब तरीन अगर किसी को पाओगे दोस्ती में मुसलमानों के तो वो नसारा है। सूरह मायदा की आयत है, वला तजदन्ना अशद्दन्नास अदावतन लिल्लजीन आमनु यहूद वला तजदन्ना अक्रबहुम लिल्लजीन आमनु मवद्दतन लिल्लजीन आमनु लजीन कालू इन्ना नसारा। उस वक्त सूरत हाल ये थी, आज जमीन और आसमान का फर्क वाकई हो चुका है, आज यहूदी ईसाई पर मुसल्लत हो चुका, यहूदियों ने पूरा आलम ईसाइयत फतह कर लिया है, आज पूरा आलम ईसाइयत यहूदियत का आलयकार बन चुका है। चुनांचे पहले तो एक ही बात थी, ये तो तकरीबन 300-400 साल कबल हो चुका कि वेस्ट व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट्स ये तो आलयकार बन गए थे आज से सदियों पहले, इन्हीं के जरिए से यूरोप के अंदर उन्होंने सूद की इजाजत हासिल की, इन्हीं के जरिए से ये सारी फहाशी और ये सारी उरियानी का जो बाजार गर्म किया, ये दर हकीकत आजाद ख्याली, लिबरलिज्म, हुर्रियत, हुर्रियत फिक्र, हुर्रियत अमल, मैं आजाद हूं, मैं नंगा जाना चाहता हूं बाजार में, आप कौन होते रोकने वाले, आप अपनी आंखें बंद कर लें, हम आजाद हैं, हम दो मर्द हैं, शादी करना चाहते हैं, शौहर और बीवी की हैसियत से रहना चाहते हैं, आप कौन इतराज करने वाले। ये सारा यहूद की साजिश, और आपके मालूम होना चाहिए जब तक पोप का कंट्रोल था यूरोप पर, यानी अभी कैथोलिक जो ईसाइयत है वो गालिब थी, उस वक्त तक पूरे यूरोप में सूद हराम था, कहीं इंटरेस्ट का कारोबार नहीं हो सकता था, ये प्रोटेस्टेंट्स के जरिए से उसकी इजाजत हासिल की। नतीजा ये निकला, अल्लामा इकबाल शायर मशरिक इस सदी के आगाज में गया था यूरोप, और वहां जाकर उसने देख लिया था, फरंग की रगे जहां पंजे यहूद में है, माशी एतबार से यहूदियों ने पूरे यूरोप के ऊपर अपना तसल्लुत कायम कर लिया था। और ये यहूदी कौन थे? रॉथ चाइल्ड, गोल्डस्मिथ्स,
बहरहाल मुझे जो दूसरी बात कहनी थी वो ये कि युरीदून लियुतफिउ नूरल्लाह बिअफवाहिहिम, उस वक्त भी यहूदी था, आज भी यहूदी है, लेकिन फर्क ये वाकई हुआ है कि उस वक्त यहूदी के कंट्रोल में ईसाई नहीं थे, बल्कि 1200 बरस तक यहूदियों के ऊपर जुल्म और सितम बल्कि होता रहा ईसाइयों के हाथों, पूरे यूरोप में परसिक्यूटेड थे। इन्हें अगर कहीं सहारा मिला मुसलमानों के जरिए से स्पेन में मिला है। बेन गोरियान ने खुद लिखा अपनी किताब में कि ड्यूरिंग द डायस्पोरा, ये हमारा जो इंतजार का दौर है 70 ईस्वी से जो शुरू हुआ था, इस डायस्पोरा के दौरान अवर गोल्डन पीरियड इज द पीरियड ऑफ क्रिश्चियन स्पेन, हमारा सुनहरी दौर वही है जो मुसलमान हस्पानिया का दौर है। इन्हें आराम मिला, इन्हें प्रोटेक्शन मिली, इन्हें ऐश मिले, और वहीं से इन्होंने ईसाइयत के अंदर नकब लगाकर और वहां से अपने रास्ते पैदा किए, और दूसरा काम ये किया ईसाइयों की अदावत का रुख अपनी बजाय मुसलमानों की तरफ कर। या रब फजमानी बिकुल सहब वल अहबाब वक्तब लना अन नदखुल अल जन्नत बिर रियान।